वेलकम बैक टू माई चैनल सेगेटेरियन आर्ट बाय तमन्ना। तो बहुत टाइम बाद मैं आप लोगों के लिए एक अमेजिंग पेंटिंग ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज का पेंटिंग ट्यूटोरियल है शिव जी एंड पार्वती जी पे। अगर आप बिगनर आर्टिस्ट हैं और अपनी पेंटिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर सही आए हैं। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे पेंटिंग ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। मैं सबकी लिंक आई बटन में शेयर कर दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पेंटिंग प्रोसेस। इसके लिए मैंने लिए हैं लाइट ब्लू, डार्क ब्लू और पर्पल कलर। तो सबसे पहले मैं वाटर वॉश कर दूंगी एक बार अपनी ड्राइंग को और कलर अप्लाई करना शुरू कर दूंगी। आप चाहे तो ये स्किप भी कर सकते हैं वाटर वॉश करने का प्रोसेस, और आप डायरेक्टली पेंट भी कर सकते हैं, बट मुझे थोड़ा फ्लोई इफेक्ट चाहिए था इसलिए मैंने सबसे पहले वाटर वॉश किया और उसके बाद अपने कलर्स अप्लाई करना शुरू किया। यहाँ मैंने मोस्टली टू ब्रशेस का ही यूज़ किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं फ्लैट ब्रश और दूसरा है राउंड ब्रश जिसका नंबर है 0। आपके साथ एक टिप शेयर ज़रूर करूँगी, अगर आप बिगनर आर्टिस्ट हैं तो अपने कलर्स को हमेशा लाइट से डार्क टोन की तरफ ही लेके जाएं। सबसे पहले लाइट टोन अप्लाई करें एंड देन फिर उसमें डार्क टोन अप्लाई करके उसको अच्छे से मर्ज करना स्टार्ट करें। डार्क टोन पहले से अप्लाई नहीं करना है आपको, तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान दें जब आप पेंटिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ सबसे बड़ा रोल आता है कलर ब्लेंडिंग टेक्निक का। अगर आप बिगनर हैं तो आई एम श्योर कि आपको इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता होगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं मैं कलर अप्लाई करने के साथ साथ उनको ब्लेंड भी करती जा रही हूँ। शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि मोस्टली इसके 3 मेथड होते हैं। हम थ्रू वाटर भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं, थ्रू कलर भी ब्लेंड कर सकते हैं एंड ओनली थ्रू ब्रश भी हम इसको ब्लेंड कर सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊँगी आप लोगों के लिए ज़रूर। बस आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आपको नीड है या नहीं। तो शिवजी जी को मैं हाफ पेंट कर चुकी हूँ, अब बारी आती है पार्वती जी के लुक को थोड़ा सा इन्हांस करने की और उनको पेंट करने की। तो स्किन टोन को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने मोस्टली 3 कलर को मिक्स किया है, रोज़ मैडर, वाइट और कारियम येलो डीप ह्यू। कलर के नाम सुन के आप एकदम से डर मत जाना। अगर आप आर्टिस्ट वाटर कलर्स लेते हैं या एक्रीलिक कलर्स लेते हैं तो ये उन पे नेम्स लिखे हुए होते हैं, मैंने जस्ट आपको इसलिए बता दिया ताकि आपको इजी रहे कलर्स मिक्सिंग करने के टाइम पे। सो दीज आर शेड्स नेम ऑफ कलर्स। अच्छा, पेंट करते वक्त हमें एक और चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है और वो है शेडोज़। मतलब कहाँ पे क्या शेडो पड़ रही है और हमें कहाँ पे क्या डार्क टोन यूज़ करना है, कहाँ पे लाइट टोन यूज़ करना है, कौन से हाइलाइटेड एरियाज़ हैं। चलो वो तो आप प्रैक्टिस करते करते ही आप लोगों को आएगा, बट मैं जैसे यहाँ पर थोड़ा सा डार्क टोन भी यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा ब्लशर भी यूज़ कर रही हूँ, तो ये जो होते हैं वो हमारी जो ड्राॅइंग है उसको और इन्हेंस कर देते हैं, ब्यूटी और बढ़ा देते हैं और हमारा जो ड्राॅइंग है वो एकदम फ्लैट नहीं दिखता। तो इसलिए हमें शेडोज़ ऐड करना भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप ऑब्जर्वेशन टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट देखें, लाइव ऑब्जेक्ट, मेरा मतलब लाइव ऑब्जेक्ट देखें, तो उसको ऑब्जर्व करें कि कहाँ उसकी शेडो पड़ रही है और कहाँ उसकी ज़्यादा लाइट जोन है। इससे क्या होगा, आपको नॉलेज मिल जाएगी कि कहाँ पर आपको लाइट टोन ऐड करना है और कहाँ पर आपको डार्क टोन ऐड करना है अपनी पेंटिंग में, और ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए और ऑब्जर्व टेक्निक को भी यूज़ कीजिए एंड मेरे टिप्स को भी ज़रूर फॉलो कीजिए, बिकॉज दीज आर ऑल यूजफुल टिप्स फॉर एनी बिगनर आर्टिस्ट। जो प्रो आर्टिस्ट है उनको तो ऑलरेडी पता ही होता है क्या करना है, बट जो बिगनर आर्टिस्ट है उनको कोई गाइड नहीं करता, तो ये आपके लिए गाइड का काम करेगा। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है हमारे प्यारी पार्वती जी का फेस। तो इसमें थोड़ा सा और डिटेल ऐड करते हैं और इसको और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश करते हैं। एक और चीज़, अगर आप मेरे वीडियो पे यहाँ तक आ गए हैं और आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देख ही ली है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो मेरी वीडियो को भी लाइक कर देना, कमेंट करना कि आपके क्या थॉट्स हैं, आपको कैसी लगी मेरी पेंटिंग ट्यूटोरियल वीडियो और क्या आप इसको ट्राई करना चाहेंगे। और अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर भी कीजिएगा कि आपकी जो पेंटिंग है वो कैसी बनी, और मैं बहुत ही ग्रेटफुल होंगी इसको शेयर करने में अपने इंस्टाग्राम पेज पे, जो कि है सेगेटेरियन आर्ट बाय तमन्ना। तो आप मुझे वहाँ पे जाके भी फॉलो कर सकते हैं। एंड नाउ बारी आती है पार्वती जी की साड़ी को पेंट करने की। तो यहाँ पर मैंने 2 शेड का यूज़ किया है, रेड एंड लिटिल बिट ऑफ ब्राउन जस्ट फॉर द डार्कर टोन।
हेयर के कलर को देख के आप लोग डर मत जाना कि ये कौन सा हेयर कलर करने लग गई हूँ मैं, कि पार्वती जी ने भी हेयर डाई कर ली है क्या, ऐसा नहीं है। यहाँ पर मैं पहला कोट जो है वो थोड़ा सा ब्लू यूज़ कर रही हूँ, जस्ट फॉर द एक्सपेरिमेंट, लेट्स सी कि वर्क करता है कि नहीं, या मैं दोबारा से इसको किसी और कलर में पेंट कर दूँगी। अच्छा, अब मैं एक और टिप आपको देना चाहती हूँ कि जस्ट फॉर द बिगनर आर्टिस्ट, कि एक्सपेरिमेंट करने से आप मत घबराइए, एक्सपेरिमेंट करते रहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक्सपेरिमेंट करेंगे कि फ़ेल ही होगा, कि आप पता सक्सेसफुल हो जाए, और अगर फ़ेल होगा भी तो उसको ठीक करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। तो एज़ अ बिगिनर आर्टिस्ट आपको ट्राई करते रहना है, आपको ये नहीं सोचना कि यार कुछ गलत ना बन जाए, बन जाए तो बन जाए यार, ट्राई करने में क्या जा रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने पेंट किया था ब्लू कलर, बट वो मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, तो मेरा एक्सपेरिमेंट तो फ्लॉप हो गया। बट मैंने इसके ऊपर ब्राउन शेड से इनके हेयर को कलर कर दिया है, सो इट्स लुकिंग ब्यूटिफुल, एंड आईज़ को भी थोड़ा सा ब्राउन शेड दे दूँगी मैं। एक और टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे तमन्ना तो टिप पे टिप दिए जा रही है, अरे भाई बहुत यूज़फुल है आपके लिए, आपके ही काम आएंगे ना, और हर कोई आपको बताएगा भी नहीं, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं ही क्यों ना अपनी नॉलेज आप तक पहुँचाऊँ अपनी वीडियो के थ्रू। तभी मैंने अपना आर्ट चैनल स्टार्ट किया है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे DM आते थे कि हम कैसे पेंट करना स्टार्ट करें, कैसे शुरुआत करें। तो मैंने सोचा कि मैं भी तो बिगनर आर्टिस्ट ही थी पहले, करते करते मैं भी सीखी हूँ प्रैक्टिस से, तो क्यों ना मैं अपनी नॉलेज लोगों तक पहुँचाऊँ। यही बहुत बड़ा रीज़न था मेरा आर्ट चैनल स्टार्ट करने के पीछे। ऑल्दो मेरा ऑलरेडी इंस्टाग्राम पेज है जो कि सक्सेसफुल है राइट नाउ, पहले उस पर ज़्यादा कुछ फॉलोवर्स नहीं थे, बट करते करते पोस्ट करते करते और कंटेंट बनाते बनाते उस पर अच्छे खासे फॉलोवर्स हो गए हैं। और आप प्लीज़ मेरे जाके फॉलोवर्स को और बढ़ा दीजिए अगर आपको मेरी पेंटिंग प्रोसेस और ये सब कुछ अच्छा लगता है। तो कमिंग टू द पॉइंट, मैं कौन सा टिप आप लोग के साथ शेयर करने वाली थी वो ये है कि सिर्फ पेंट करने से ही पेंटिंग कंप्लीट नहीं हो जाती है या बन नहीं जाती है, आपको उस पर डिटेलिंग्स ऐड करती रहनी पड़ेगी। मतलब डिटेलिंग्स आप जितनी ऐड करोगे उतना ही आपकी जो पेंटिंग है उसमें निखार आएगा, और ओवरडू भी नहीं करना है कि बहुत सारी डिटेलिंग ऐड कर दी, वो आपको बस देखना है, ऑब्जर्व करना है कि कहाँ पर डिटेलिंग की ज़्यादा ज़रूरत है और कहाँ पर नहीं। तो यहाँ पर भी मैं डिटेलिंग्स ऐड करती जा रही हूँ। ब्लाउज़ को पेंट करने के लिए यहाँ पे मैं गोल्डन और येलो कलर का यूज़ करूँगी और इसको ब्लेंड कर दूँगी अच्छे से। साड़ी पे थोड़ी सी डिटेलिंग्स ऐड कर दूँगी क्योंकि मुझे उसमें थोड़ी सी कमी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि थोड़े थोड़े गोल्डन डॉट्स ऐड कर देती हूँ। ये पेंटिंग ट्यूटोरियल देखने के बाद आई एम श्योर कि अब आप भी पेंट कर पाएंगे ये शिव जी और पार्वती जी की पेंटिंग को। अगर कोई भी क्वेरी हो आपके मन में तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन DM मी ऑन माय इंस्टाग्राम पेज विच इज़ सेक्रेटेरियन आर्ट बाय तमन्ना। तो 90% पेंटिंग तो हमारी पेंट हो गई है, अब बचा 10%। 10% भी हम पेंट कर लेते हैं जल्दी से। मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कि आपको एक एक डिटेल दिखाऊँ कि मैंने कैसे पेंट किया है, और कोई भी प्रोसेस मैंने स्किप नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं स्टार्टिंग से एंड तक जो जो चीज़ मैं पेंट करती जा रही हूँ वो आपको दिखाती जा रही हूँ। मेरे एफर्ट्स के लिए एक लाइक तो बनता ही है ना, तो जाइए अभी और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब भी कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए जितना आप कर सकते हैं। पेंटिंग इज कम्प्लीटेड एंड नाउ इट्स टाइम टू पेंट द बैकग्राउंड ऑफ द पेंटिंग। बैकग्राउंड पेंट करने के लिए मैंने सबसे पहले वाटर वॉश कर दिया अपनी पेंटिंग को, और उसके बाद मैंने इसमें दो कलर्स को ऐड किया है, मिड ग्रीन एंड लेमन येलो, एंड लुक हाउ ईजली इट ब्लेंड्स। आई होप यू लाइक द पेंटिंग प्रोसेस, एंड इफ़ यू डू लाइक देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी ये पेंटिंग प्रोसेस वीडियो।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. होपफुली सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय.